नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग मध्य प्रदेश के एक और जिले में भर्ती निकल चुकी है, तो उस भर्ती के संबंध में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। कार्यालय कलेक्टर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के रिक्त पदों पर भर्ती निकले, जिसकी सूचना 29/8/23 को दे दी गई थी। पहले हम लास्ट तारीख की बात कर ले तो लास्ट तारीख है इसकी 15 सितंबर 2023, ठीक है, 15 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। शुक्रवार को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। रिक्त पदों का विवरण, आवश्यक अर्हताएँ योग्यताएँ निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। पहली पोस्ट आपको है नैदानिक मनोविज्ञानी के, जिसमें एक पोस्ट है आपको जिसमें 20,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। दूसरी पोस्ट आपने को देखने को मिल रहेगी वरिष्ठ प्रबंधक की है, उसमें आपको 20,500 उसमें भी देखने को मिल जाएगी। तीसरी आपकी पोस्ट देखने को मिल रही है वरिष्ठ आर्डियोलॉजिस्ट की है, उसमें भी आपको 20,500 पद, सभी के एक एक पद है, ठीक है। चौथी पोस्ट आपको प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सक की देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको 20,500 रुपये, सॉरी 14,500 रुपये मिल जाएगी। पाँचवीं पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी व्यावसायिक परामर्शदर्शन सह कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर असिस्टेंट की, जिसमें आपको 14,500 उसमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद छठवीं पोस्ट है ट्रांस डिसिप्लिनिंग स्पेशल, तो इसमें भी आपको 14,500 देखने को मिल जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर ही है, ठीक है, यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर है, किसी एक पक्ष, यह नियुक्ति पूर्णतः एक वर्ष के लिए है, किसी पक्ष द्वारा 1 माह की नोटिस, 1 माह का वेतन मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। 1 वर्ष के पश्चात सेवाएं निर्धारित मानदंड के अनुसार संतोषप्रद पाए जाने पर ही आपकी सेवा में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केवल 1 वर्ष के लिए अगर आपने आपका व्यवहार अच्छा रहा तो आपको और आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आवेदन की अंतिम तारीख, जैसे आपके आपको बताया गया है उपरांत दिनांक 26 सितंबर 2023 को प्रातः 11 बजे से जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र कल्याणपुरा रोड रंगपुरा झाबुआ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र कल्याणपुरा रोड रंगपुरा झाबुआ में संपर्क किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 26 सितंबर को 11 बजे पुनर्वास केंद्र में आपको बुलाया जाएगा। आवेदन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पूर्णतः आवेदन भरने के बाद आपको जो पता बताएगा उस पर आपको ये आवेदन को भेज देना है, ठीक है, पूरी सावधानी से भरिएगा आवेदन को। और आपको एड्रेस एक बार फिर से बता देते, कार्यालय कलेक्टर दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र जिला झाबुआ, उसके बाद एको, ठीक है, इस पर आपको भेज देना है 15 तारीख से पहले पहले। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो एक जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।